गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर का नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे, अडोब एनिमेट ड्राइंग टूल। ठीक है, जिसमें आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ड्राइंग टूल इन अडोब एनिमेट, लाइन टूल, पेन टूल, रेक्टेंगल टूल, ओवल टूल, पॉलिस्टर टूल, पेंट टूल, पेंट बकेट टूल, ब्रश टूल, इरेजर टूल, टेक्स्ट टूल, कन्वर्टिंग टेक्स्ट लाइन इन टू शेप। ठीक है, सबसे पहले ड्राइंग टूल इन अडोब एनिमेट। एनिमेट हैज मैनी ड्राइंग टूल इन द टूल पैनल। काफी तरह के ड्राइंग टूल हैं इन टूल पैनल्स। दीज टूल्स आर यूज टू क्रिएट इलस्ट्रेशंस, बटन्स एंड यूजर इंटरफेस। सिलेक्टिंग आर्टवर्क, सिलेक्टिंग आर्टवर्क क्या होता है, यू कैन सिलेक्ट आर्टवर्क ऑब्जेक्ट्स और पोर्शन ऑफ आर्टवर्क इन एनिमेट। आपने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या आर्टवर्क का कोई भी ऑपरेशन एनिमेट में सिलेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हो। देयर आर टू वेज, दो तरीकों से हम इसको क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। यू कैन सिलेक्ट आर्ट, वन इज अ सिलेक्शन टूल। फर्स्ट है सिलेक्शन टूल विच इज यूज टू क्लिक एंड द ऑब्जेक्ट यू वांट टू सिलेक्ट। इसके लिए आप जस्ट क्लिक करोगे और क्या कर सकते हो, उसको क्या है अपने जितना आपको जो आपने सिलेक्ट करना चाहते हो ऑब्जेक्ट को जो, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। द सेकेंड इज यूज टू लेसर टूल। लेसर टूल से भी आप अपनी उसको क्या है, अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। टू ड्रॉ अ शेप, आपने क्या करनी है, कोई शेप जैसे सेलेक्ट करनी है, डैट एंड सर्कल, उसके आगे क्या एंड सर्कल लगा दो, एवरीथिंग यू वांट टू सेलेक्ट। इसलिए कि जो उसके एंड सर्कल लगा दिया और क्या है, सब कुछ क्या हो जाता है, जो आप सेलेक्ट करना चाहते हो वो सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, ये सब आपके पास ऑप्शन होते हैं कि क्या क्या क्लिक करोगे और आपका पोर्शन जो है सेलेक्ट होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रॉइंग लाइन सेगमेंट। ड्रॉइंग लाइन सेगमेंट क्या होता है, यू कैन ड्रॉ ऑल सोर्ट्स ऑफ शेप्स। ठीक है, इसके आप सभी तरह की ड्रॉ क्या कर सकते हो, शेप्स को ड्रॉ कर सकते हो एंड फिगर्स। ठीक है, यूजिंग लाइन टूल। लाइन टूल से आप जो भी शेप्स आप कर सकते हो, ड्रॉ करना चाहते हो, फिगर्स ड्रॉ करना चाहते हो, आप कर सकते हो। द इजिएस्ट वे, इसका आसान तरीका यह कि ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स इज टू यूज, इसके लिए आप लाइन टूल का यूज करो। ठीक है, कहाँ से लाइन्स लगानी है तो किसका टूल करोगे, लाइन टूल का। ट्रू ड्रॉ आ फ्रीडम लाइन, इससे क्या आप अपनी लाइन को फ्रीडमली ड्रॉ कर सकते हो। यूज द पेंसिल टूल, अगर कोई भी फ्रीडम कोई भी लाइन यूज करनी है, ठीक है, फ्री फ्रॉम लाइन अगर ड्रॉ करनी है तब आप किसका यूज करते हो, पेंसिल टूल का। इन एनिमेट लाइन्स आर कॉल्ड, इनको क्या बोलते हैं, जो लाइन्स आप क्या करते हो ड्रॉ, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक्स। ठीक है, एंड कैन कनेक्ट विद अदर लाइन्स टू क्रिएट अ शेप और पिक्चर। इससे क्या आप किसी भी शेप से में और पिक्चर में उसको क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, लाइन के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ड्रॉ फ्री, ये इस तरह की लाइन है, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। इस तरह से आप क्या है, जो ऑप्शन जैसे बताओगे, लाइन टूल को क्लिक करोगे, जैसे आपने जिस पोर्शन पे आपने लाइन क्या करनी है लगानी है, उस तरह से आप लाइन को उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, लगा सकते हो। नेक्स्ट है ड्रॉ फ्री फ्रॉम लाइन, ये भी ये ऑप्शन दे रखे फ्री फ्रॉम लाइन को यूज करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेटिंग लाइन सेगमेंट, यू कैन फॉर्मेट लाइन सेगमेंट बाय कंट्रोलिंग लाइन थिकनेस, स्टाइल एंड कलर यूजिंग द फॉर्मेटिंग कंट्रोल। अगर आपने कोई भी क्या करनी है लाइन सेगमेंट को, मतलब कोई कलर में लाइन लेनी है, तब आप किसका यूज करते हो, फॉर्मेटिंग लाइन सेगमेंट। बाय डिफॉल्ट द लाइन्स वी ड्रॉ ऑन स्टेज, बाय डिफॉल्ट जो होती है, जो हमने लाइन ड्रॉ स्टेज की होती है वो वन पॉइंट पे होती है, ठीक होती है वन पॉइंट पे, एंड आर सॉलिड ब्लैक होती है। ठीक है, ठीक है, आज का टॉपिक हम इतना ही रीड करेंगे, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।